हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, बात करेंगे सुक्राल फैट ड्रग के बारे में कि ये क्या होता है, किन बीमारियों में चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट क्या देगा और क्या सावधानियां रखनी रहती हैं और डोज समझेंगे, तो देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुक्राल फैट की। तो सुक्राल फैट एक एंटी अल्सरेटिव ड्रग होता है, एक अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग होता है, ठीक है। तो ये कई नाम से मार्केट मिलता है, जैसे कि सुक्रोमार आता है, रेकाल फैट आता है, बहुत सारे और भी नामों से मिल जाता है। होता क्या है सुक्राल फैट, कई बार ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी मिलता है, जैसे कि ऑक्सिटाक्साइन के साथ मिलता है, ऑक्सिटाकाइन के साथ इसका कॉम्बिनेशन मिल जाता है। टैबलेट और सिरप ही इसके मार्केट में आते हैं, इंजेक्शंस वगैरह नहीं आते, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एंटी अल्सरेटिव ड्रग है, तो ये अल्सर्स में काम करने वाली दवाई है, तो ये मुँह के अल्सर में काम नहीं करेगा, ठीक है, ये भी आप हमेशा याद रखो। तो अगर बेसिकली बात किया इसका यूजर्स की, किन किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है सुक्राल फैट, कब कब डॉक्टर लिखता है या किसी को देंगे, तो भाई डियोडिनल अल्सर हो या गैस्ट्रिक अल्सर हो या इसोफेजाइटिस हो, इस सब में क्या होता है कि हमारे शरीर में बेसिकली स्टमक के अंदर एसिड बनता है, पैराइटल सेल से एसिड निकलता है और कई बार ये एसिड ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, जितना बनना चाहिए उतना उससे ज़्यादा बन जाता है। तो ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, बोलना चाहिए कि स्टमक की दीवारें जो होती हैं, उसको ये नुकसान पहुंचाने लगता है, वहाँ पे छाले होने लगते हैं। तो ये जो चीज़ है, एसिड डियोडिनम में भी जा सकता है, मतलब कि जो इंटेस्टाइन का सबसे ऊपरी भाग होता है, छोटी इंटेस्टाइन का, उसे बोलते हैं डियोडिनम। तो उसमें अगर पहुँच गया एसिड तो वहाँ पर डियोडिनल अल्सर बन जाते हैं। इसोफेगस तक थोड़ा ऊपर आता है, मतलब कि एसिड कई बार स्टमक से थोड़ा ऊपर आ जाता है, यहाँ पे आहार नाल में, मतलब कि यहाँ से खाने की जो नली होती है उसमें भी कई बार अल्सर हो जाते हैं, ठीक है, या गैस्ट्रिक अल्सर, ये स्टमक में ही अल्सर हो गए। तो ये तीनों चीज़ें यही हैं कि उसमें छाले पड़ गए हैं। अब होता क्या, आदमी को दर्द होता है, ये सब होता है, दूसरी और कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो उन कंडीशन में सुक्राल फैट का सिरप या टैबलेट डॉक्टर लिखता है, ठीक है। तो और अब बात करते हैं काम कैसे करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है, पैराइटल सेल्स होती हैं स्टमक की, जो लाइनिंग्स होती हैं उनमें पैराइटल सेल्स होती हैं, इन्हीं पैराइटल सेल्स से क्या होता है, एसिड निकलता है। एसिड बहुत ज़रूरी है, HCl, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट बनाता है, उसको तोड़ता है, तो कई बार ये ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाता है, तो फिर वो हमारे ही शरीर को नुकसान पहुँचाने लगता है। तो ये क्या करता है कि जो सुक्राल फैट है, ना ही एसिड को न्यूट्रल करता है और ना तो उसको इनहिबिट करता है। कई तरह की दवाइयाँ आती हैं एसिड को बनने से रोकती हैं या उसको न्यूट्रल करती हैं, एंटासिड्स वगैरह जो भी होती हैं, लेकिन इसका काम थोड़ा अलग है, ठीक है। सुक्राल फैट क्या करता है कि जो अल्सर बना है, चाहे वो डियोडिनम में या गैस्ट्रिक एरिया में या इसोफेगस में, वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है अल्सर के ऊपर, ठीक है। अल्सर तो है, उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है अपनी। ये लेयर कैसे बनती है भाई, जो अल्सर होता है उसके जो बेस होता है वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस पाए जाते हैं, ठीक है, और ये जो सुक्राल फैट होता है इसके पास होते हैं नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में कनेक्ट होके एक लेयर बना लेती है। अब जितना अल्सर था उतना ही रहेगा और बढ़ नहीं पाएगा, मतलब कि और एसिड वहाँ पे जा नहीं पाएगा, तो क्या होता है, जो बचा हुआ अल्सर है वो ठीक हो जाता है धीरे धीरे। तो इस तरह से एक प्रोटेक्टिव बैरियर, एक लेयर बना देता है अल्सर के ऊपर, चाहे वो कहीं पर भी अल्सर हो, तो इस तरह से आदमी ठीक हो जाता है। तो यही इसका काम करने का तरीका है सुक्राल फैट, ठीक है। बात करेंगे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, भाई कहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं देना है। तो देखो, अगर किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, किडनी में स्टोन है, मूत्राशय में कोई सूजन है या इन्फेक्शन हो रहा है कुछ भी, तो उसको नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर हमेशा पूछेगा भाई पेशाब वगैरह कैसा क्या जा रहा है, पेशाब की जाँच की जाएगी, उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि हाँ इसको सुक्राल फैट चलाएँ या ना चलाएँ, ठीक है। हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है, मतलब कि फॉस्फेट की कमी हो जाती है, तब भी नहीं देना है। कुछ सावधानियां हैं, प्रेगनेंसी की बात की जाए तो प्रेगनेंसी में चलाया जा सकता है, बट डॉक्टर की सलाह से कुछ के दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन लैक्टेशन में नहीं चलाते, अगर कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसको आप सोचो सुक्राल फैट दे दो, तो नहीं देना, क्योंकि ये मिल्क के माध्यम से बच्चे तक पहुँच सकता है। और हमेशा याद रखो, छोटे बच्चों को कभी भी इसको नहीं देना है, 6 साल से छोटे बच्चों को, ठीक है, 6 साल से ऊपर के बच्चों को दे जाता है, उसको भी कम डोज में, ठीक है। तो ये होता है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं सुक्राल फैट सिरप या टैबलेट के, कि भाई रेड स्पॉट बन जाते हैं कई बार शरीर में, कहीं कहीं पर रेड स्पॉट आ जाता है, आपने सुक्राल फैट लिया और सूजन सी आ गई, तो उसको आपको देख के डरना नहीं है, साइड इफ़ेक्ट है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है।
डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, ठीक। मुंह सूखा सूखा रह गया, ऐसा लगा कि मुंह सूख रहा है, बार बार पानी पीने की इच्छा होगी और पीना भी चाहिए, ठीक। वॉमिटिंग हो सकती है और सर दर्द और नींद सी आने लगेगी। तो ये है, बात करें इसका डोज क्या होता है सुक्रोज फैट का, तो देखो 1 ग्राम QID दिया जा सकता है, मतलब कि दिन में 4 बार, सुबह दोपहर शाम और रात में सोते वक्त भी दिया जा सकता है, दिन में 4 बार, 15 से लेकर 20 दिन तक चलाया जा सकता है किसी भी एडल्ट व्यक्ति के लिए। बच्चे हैं तो उनको कम मात्रा में दिया जाता है, बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, ठीक है। और बस यही इसका डोज है, बच्चों को बहुत कम प्रॉब्लम्स होती है इस तरह की। तो ये होता है क्या सुक्रोज फैट, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, कहाँ चलता है, कैसे काम करता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो लाइक जरूर करें, शेयर कर सकते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब करें। तो आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।